हेलो दोस्तों, टेक्निकल बाला में आप सबका स्वागत है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और तो चलते हैं फिर हम क्रोम ब्राउज़र में। तो क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद हमें सर्च करना है studio.youtube.com। ये वाली सर्च करेंगे, उसके बाद गो कर देंगे। राइट करने के बाद हमें क्या करना है, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जो कि आपका यूट्यूब चैनल का होएगा। तो यहाँ देख सकते हो डेस्कटॉप साइड ऑन है मेरा, तो ऑन कर लेंगे थ्री लेयर पे जाके। उसके बाद यहाँ वीडियो वाली आइकन पे हमें चलना है। वीडियो वाली आइकन पे चलेंगे, ये वाली देख सकते हो। हम जूम करके आपको दिखा देते हैं, ये वाली नीचे करके ये वीडियो वाली ऑप्शन पे चलना है। वीडियो वाले ऑप्शन पे चलोगे तो यहाँ फिल्टर आपको दिखाई देगा। तो फिल्टर पे जाने के बाद कॉपीराइट क्लेम, इस पे जाइएगा कॉपीराइट क्लेम पे। तो यहाँ जाने के बाद क्लिक करिएगा तो आपको जो भी वीडियो कॉपीराइट क्लेम में है वो सब दिखाई देगा। तो यहाँ देख सकते हो मेरा एक वीडियो है, तो कॉपीराइट क्लेम के डिटेल्स पे टैग करके यहाँ देख सकते हैं। तो एक वीडियो में तीन तीन कॉपीराइट आया है। तो यहाँ हम देख सक दिखा देते हैं आपको तो कहाँ कहाँ आया है। तो ये जूम करके और आपको दिखाएंगे हम कि यहाँ जो आपको डब्बे वाले ऑप्शन दिखाई दे रहे, देख और टाइम भी दिया रहता है इतना से इतना में आपको लगा है। तो यहाँ हमें तीन वीडियो में लगी हुई है, मतलब एक ही वीडियो के तीन, ये देखो जो डब्बे घिरा घिरा सा है वहाँ से वहाँ तक क्लाइम आया है आपके वीडियो पे। तो इसी को आज सॉल्व करने के लिए हमने वीडियो बनाया। तो यहाँ देख सकते हो तीन ऑप्शंस आपको मिलेंगे, तो म्यूट और ये तीन आपको मिल जाएगा और चौथा भी है। अगर आप चौथा इसलिए है कि अगर आपके वीडियो पे किसी का सॉन्ग या कोई भी कॉपी नहीं किए हो फिर भी तो उसमें कंप्लेन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ म्यूट करना है, तो म्यूट हमने कर दिया। फर्स्ट प्रोसेस लास्ट प्रोसेस से हम चालू करते हैं। तो फर्स्ट में आपको यहाँ देख सकते हो, तो हमने यहाँ पे म्यूट का ऑप्शंस पे क्लिक किए हैं। तो हमें एक वीडियो में दो दो जगह लगी हुई है, तो किस तरह से हमें यहाँ करना है वो भी आपको बताएंगे नेक्स्ट आगे वीडियो में। और इसमें यहाँ देख सकते हो एक जगह लगी हुई है, तो फर्स्ट हम यहीं से चालू करते हैं। तो यहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ से हमें करना क्या है, तो ये दो वाली है तो दोनों को देख लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है देखेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ म्यूट हमने कर दिया है, म्यूट वाली ऑप्शन से फर्स्ट चलेंगे क्योंकि उस म्यूज़िक में हमें लगा है। तो म्यूज़िक सब कुछ यहाँ आपको डिटेल्स में दिखाई दे देगा। तो यहाँ से हमें डन करेंगे, म्यूट वाले ऑप्शन पर कर रखे थे तो ये नहीं हो रहा है। नेक्स्ट अगर एक बार आपने रिप्लाई कर दिया उसमें अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट आपको करना पड़ेगा। तो हमने नेक्स्ट रिप्लाई सॉन्ग कर रहे हैं तो रिप्लाई सॉन्ग करेंगे। तो यहाँ देख सकते हो रेड वाली आइकन पे, तो फर्स्ट सॉन्ग ये सब फ्री कॉपीराइट है तो हमने बजा कर देखा तो फर्स्ट वाली हमें अच्छा लगा तो फर्स्ट वाली हम ऐड कर देंगे। तो कुछ इस तरह का बफरिंग होगा। बफरिंग होने के बाद यहाँ देख सकते हो जहाँ तक आपका रेड था वहाँ पर ये ग्रीन होकर म्यूज़िक आ गया है, खुद ही ऑटो एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ ऑटो एडजस्ट हो गया है, तो वहाँ यहाँ देखने के बाद हमें क्या करना है, सेव कर देंगे। सेव कर देंगे, वीडियो सेव करने के बाद यहाँ देख सकते हो दो जगह है इस पर। अब देखिए ध्यान देते हैं हमने क्या करना है, अगर इस पर नहीं ध्यान दोगे तो एक होएगा एक हटेगा ही नहीं। हमने भी रात में किया था, तो रात में वीडियो बनाई थी तो रात में हमें नेट प्रॉब्लम आ रही थी तो ज़्यादा टाइम भी लग रहा था। और देखो यहाँ पे बैक की हो रही है तो आगे की बच रहा है, और आगे की होगी तो बैक को बच जाएगा। तो हमें यहाँ क्या करना है, या तो क्रॉप करके देना पड़ेगा या तो दूसरा म्यूजिक लगाएंगे। हम यहाँ दूसरा म्यूजिक लगा दिए हैं, दूसरा म्यूजिक देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक पूरा हो गया वन टाइम में। तो यहाँ से हमें क्या करना है, फिर ऐड कर देंगे और दूसरा म्यूजिक है तो फिर यहाँ से हमने क्या करना है, सेव कर लेंगे। सेव कर दे रहे हैं तो देख सकते हो अभी हमें क्या करना है देखना है। तो यहाँ देख सकते हो वन फाउंड बचा हुआ है और वो भी चेकिंग हो रही है उसकी, यहाँ देख सकते हो चेकिंग वन फाउंड, उसके बाद चेकिंग हो रही है तो कुछ टाइम लगता है। उसके बाद यहाँ भी देख सकते हो प्रोसेसिंग लिखा हुआ है, तो अभी प्रोसेसिंग में है ये जो अभी मैंने किया था। तो फिर से हमने होम पे आ गए, यूट्यूब के होम पे, फिर से यहाँ हमें क्या करना है, इधर को चलना है हमारे आइकन पे स्टूडियो, यूट्यूब स्टूडियो पे जाएंगे, फिर से सेम प्रोसेस वीडियो वाली लेयर पे जाएंगे सेकेंड पे। वहाँ से जाने के बाद फिल्टर पे चलेंगे, फिल्टर पे जाने वाले कॉपीराइट क्लेम पे चलेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे प्रोसेस अभी तक हो ही रहा है, तो फिर से हमें बैक जाना है, प्रोसेस हो रहा है। तो हमें अब ये यहाँ क्या करना है, म्यूट कर देना है वीडियो की जो कि हमने दिखाए थे वो था रिप्लेस सॉन्ग था। तो रिप्लेस सॉन्ग करने के बाद अब यहाँ देख सकते हो कि ये है हमें करना।
कि म्यूट कर दिए, म्यूट में देख सकते हो कुछ प्रोसेस बफरिंग हो रही है। तो यहाँ बफरिंग होने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाएगा, उसके बाद देख सकते हो मेरा हो गया क्लियर डन। तो यहाँ देख सकते हो रिज्यूम में कुछ नहीं है। तो फिर से हम क्या करना है, बैक जाना है, बैक जाके अपने चैनल पे जाएंगे, चैनल पे आ जाएंगे। उसके बाद फिर से वहाँ जाना है हमें, फिल्टर वाली ऑप्शन पे चलेंगे। फिल्टर वाली ऑप्शन पे चल के यहाँ पे फिर से कॉपीराइट कलम पे एक बार चेक कर लेंगे। तो देख सकते हो अब मेरा कोई वीडियो नहीं है, तो यहाँ खाली खाली है। तो देख इस तरह से आप अपने वीडियो पे कॉपीराइट कलम हटा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक्स, बाय।